अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्वाक शाह, क्रिकेट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, महेला जयवर्धने को कौमी टीम का कोच बनाने की तजवीज़ सामने आ गई। बोर्ड हुकाम से खासा करीबी एक साबिक क्रिकेटर ने साबिक श्रीलंकन कप्तान का नाम पेश कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट के मुतालिक हर नई वीडियो आसानी से मिल सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक सीनियर खिलाड़ी ने तजवीज़ दी है कि साबिक श्रीलंकन कप्तान महेला जयवर्धने को कौमी टीम का कोच बना दिया जाए। ज़राए के मुताबिक इनका कहना था कि पाकिस्तान का कोच वो होना चाहिए जिसने तीनों तर्ज की क्रिकेट खेली हो, और इस हवाले से महेला एक बेहतरीन इंतखाब हैं। अलबत्ता इनका IPL फ्रेंचाइज मुंबई इंडियन से बहुत बड़ा मुआहदा है, PCB इन्हें इतनी बड़ी रकम देने की पोजीशन में नहीं लगता। दूसरी जानब कौमी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर ने क्रिकेट कमेटी के इजलास में अपने मुआहदे में 2 साल इजाफे की दरख्वास्त दी है। ज़राए के मुताबिक आर्थर ने कमेटी इजलास में लोकल कोच को बतौर असिस्टेंट रखने की तजवीज़ पेश की है ताकि वो इनके नैब की हैसियत से काम सीख कर वक्त आने पर बतौर कोच इनकी जगह ले सकें। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर के मुआहदे के हवाले से सीनियर क्रिकेटर से राय तलब करने के बारे में सोच रहा है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी मिकी आर्थर की कारकर्दगी से मुतमैन नहीं हैं। इनका कहना है कि मुश्किल घड़ी में कोच जिम्मेदारी लेने से कतराते दिखाई दिए हैं। दोस्तों, आप भी महेला जयवर्धने को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाने के हवाले से कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।